कोरोना संक्रमण की मार झेल रहे ईरान की अपील के बाद यूरोपीय देशों ने मदद के तौर पर मास्क, दस्ताने, दवाएं, टेस्ट किट और प्रोटेक्टिव सूट भेजे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बावजूद ईरान की अपील के बाद फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने यह मदद भेजी है। ये सामना एक नई ट्रेड डील के तहत भेजा गया, जिसमें जीवन रक्षक सामग्री और खाने पीने के सामान का बार्टर सिस्टम के तहत आदान प्रदान किया जाना है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यूरोपीय देशों ने मदद अमेरिका के ईरान के साथ 2015 में हुई परमाणु डील के मुकर जाने के बाद की है। जर्मनी के विदेश मंत्री ने बताया कि ईरान की सरकार से इस चिकित्सीय सामग्री के लेन देन को लेकर काफी वक्त से बात चल रही थी और यूरोप ने पहल करते हुए मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। आने वाले समय में दोनों पक्षों की तरफ से इस तरह की चीजों का लेन देन जारी रहेगा। यूरोप और ईरान के बीच इस समझौते को इंस्टेक्स ट्रेडिंग मैकेनिज्म का नाम दिया गया है। ईरान के साथ व्यापार करने वालों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की अमेरिका की धमकी के बाद यूरोपीय देशों ने यह बीच का रास्ता निकाला है, जिससे अमेरिका की शर्तों का भी उल्लंघन नहीं होता। कोरोना संक्रमण झेल रहा ईरान लगातार यूरोपीय देशों से इस समझौते के तहत मदद की अपील कर रहा था। अब ऐसी खबरें हैं कि यूरोपियन यूनियन के सभी देशों ने ईरान के साथ इस समझौते पर सहमति जाहिर की थी। आने वाले दिनों में फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम और नीदरलैंड भी इस समझौते के तहत लेन देन शुरू कर सकते हैं। बता दें कि ईरान में अभी तक 41,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित सामने आ चुके हैं, जबकि 2700 से ज्यादा लोगों की संक्रमण से मौत हो गई है। जिब्रान जर्रार खान के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, punjabkesari.com। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।